हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। टाइटल से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। सो बेसिकली आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना बैल्कनी मेकओवर या बैल्कनी डेकोर आप बोल सकते हो। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको ये बता देती हूँ कि आई रिसेंटली मूव्ड इनटू अ न्यू अपार्टमेंट। मैं यहाँ मुंबई में रहती हूँ और जो बैल्कनी है इस घर की ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट कि इतनी छोटी क्यों है, जैसी भी है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैं आज आपको इसी को डेकोरेट करने के कुछ आइडियाज़ देने वाली कि मैंने 2000 से भी कम में डेकोर कर दिया है एंड मोस्टली चीजें मैंने रीयूज करी हैं। तो आप कैसे छोटी बालकनी को ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हैं विद लॉट ऑफ प्लांट्स, स्टिल आपको वो क्लटर फ्री लगेगी। यस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरे यहाँ पे दो हैंडल्स हैं, एक जिसमें मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में अपडेट देती हूँ और दूसरा जो पेज है दिस इज स्पेशली फॉर होम डेकोर के लिए है जिसका नाम अगेन है स्टाइल योर स्पेस विद रुचि है। इसमें मैंने विक्की का नाम भी इंक्लूड किया बिकॉज मोस्ट ऑफ द डीआईवाई में विक्की बहुत ज्यादा यू नो अगर मैं आइडिया देती हूँ तो वो उसको एग्जीक्यूट करवाता है, सो दैट्स व्हाई उसका भी नाम मैंने लिखा हुआ है। सो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो ये है बैल्कनी बिफोर मेकओवर, तो इस तरह से दिखती थी। इनफैक्ट ये जो नेट है ये भी मैंने ही लगाई हुई है बट उसके पहले ही मेरे पास क्लिपिंग नहीं है। सो बेसिकली दिस इज द लुक। तो अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स के तरफ। तो मैं यहाँ पर अभी मेजरमेंट ले रही हूँ अपनी बैल्कनी का बिकॉज मैं कस्टमाइज्ड कुछ बनाना चाहती हूँ, तो उसका हम रफ आइडिया ले रहे हैं कि क्या क्या मेजरमेंट्स होने वाले हैं क्योंकि इस बैल्कनी काफ़ी छोटी है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ कम्प्लीट वर्टिकल स्पेस बिकॉज मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे प्लांट्स नीचे बिखरे रहें एंड वो जगह जो है वो बहुत क्लटर्ड लगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके का कुछ प्लान कर रही हूँ, तो उसका मैं रफ एक स्केच बना रही हूँ कि ऐसा कुछ मुझे चाहिए, वर्टिकल हैंगिंग प्लांटर टाइप आप बोल सकते हैं या प्लांटर स्टैंड आप बोल सकते हैं। और इस वाली वॉल पे मैं कुछ अपने हिसाब से ही जो मेरे पास पड़ा हुआ है उसी से मैं सारी चीज़ें करने वाली हूँ। तो एक लोकल कारपेंटर से हम ये हमारे हिसाब से वुडन प्लैंक्स जो हैं वो कट करवा करके लेकर के आए हैं बिकॉज जो DIY है वो हम लोग खुद बनाने वाले हैं। मैंने विक्की को पूरा बता दिया था अपना आइडिया एंड नाउ ही इज़ द पर्सन हु विल गोइंग टू एग्जीक्यूट इट और इसकी फिटिंग विटिंग सारी चीज़ें और टेक्निकली वो सही रहेगा कि नहीं, वो वेट झेल पाएगा कि नहीं, वो सब वो हैंडल करेगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसने सब कुछ खुद से ही एक दिन में बना के दे दिया था। ये मुझे 3 घंटे लगे थे आराम से बनाने में, वन गो में ये बहुत ईजिली बन गया था। कमिंग टू द सेकेंड DIY, ये मैं अपने घर से प्लेट्स लेकर के आई थी। सो दिस इज़ बेसिकली 30 और 31 ईयर्स ओल्ड पुरानी प्लेट्स हैं जो मेरे मम्मी पापा को शादी में गिफ्ट में मिली थी एंड वो बिल्कुल पैक्ड रखी हुई थी, कोई यूज़ नहीं कर रहा था, तो मैं लेकर के आ गई थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसका कुछ ना कुछ करूँगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इन सभी प्लेट्स को एक्रेलिक कलर में पेंट कर रही हूँ। आप एक्रेलिक कलर या चॉक पेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ कलर्स मैं चॉक पेंट की यूज़ कर रही हूँ, कुछ मैं एक्रेलिक कलर्स की यूज़ कर रही हूँ। तो आपको आगे चल के वीडियो में पता चलेगा कि इस पर मैंने क्या किया है। नाउ ये एक और DIY है जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो देख लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। नाउ कमिंग टू द प्लेसमेंट, तो ये हमारा जो रैक है DIY वर्टिकल रैक ही पूरी तरह से बन के रेडी हो चुका है। मात्र 300 रुपीज़ में ये हमारा रेडी हो गया है बिकॉज 200 रुपीज़ की वुड आई थी एंड 100 रुपीज़ की आप मान लो नेल्स वेल्स या जो भी चीज़ें हैं वो। उसके बाद ये एक वुडन मेरे पास स्टूल है जो मैंने मीशो से मंगवाया था, वो मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। मैं कुछ भी प्लांट्स को नीचे नहीं रखना चाहती हूँ बिकॉज है ना प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है और डेली यहाँ पर इतने सारे प्लांट्स रखाएंगे तो डेली पानी डलेगा एंड पानी डलेगा तो वो नीचे मिट्टी पानी कीचड़ जैसा मच जाएगा। सो आई वॉन्टेड कि प्लांट्स हर हाइट पर रहें सो दैट यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए काफ़ी ईजी हो जाए। फिर उसके बाद ये इस तरह के वुडन क्रेट्स जो मेरे पास थे मैंने वो यूज़ करे हैं इस वॉल पे, तो सब पुरानी चीज़ें यूज़ करी हैं। नाउ आई गॉट दीज प्लांटर्स एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट्स, मैं लिंक डाल दूंगी, मैंने मीशो से मंगवाए थे, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। एंड अब मैं प्लेसमेंट्स करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं काफ़ी सारे प्लांट्स छोटे छोटे लेकर के आई थी।
मेरे पास कुछ चार मेटल के प्लांटर्स ऑलरेडी थे, पुराने घर में मैंने ले लिए थे एंड आई रियली डोंट वॉन्ट कि जो सामने वाली रेलिंग है उसमें मुझे बिल्कुल भी भरना नहीं है, वो एकदम खाली खाली रहना चाहिए। इसलिए हम जो साइड की वर्टिकल स्पेस है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि सामने का एरिया खाली रहे। नाउ कमिंग टू द राइट साइड का जो एरिया है, सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने स्टूल्स यूज़ करे हैं सो दैट नीचे पानी वगैरह सब ईजीली निकल जाए एंड क्लीनिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम ऊपर के सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ मैंने कुछ प्लांट्स रखे हैं एंड ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों बॉटल का DIY है, ये खाली हैं, ये ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहे हैं तो मैंने उनको सिर्फ डेकोरेट करने के लिए रखा हुआ है। देन ये जो आप दो येलो एंड ऑरेंज कलर के मेटल के प्लांटर्स देख रहे हैं ये मैं भोपाल से लेकर के आई थी, एक नर्सरी से, लोकल नर्सरी से। एंड ये जो छोटे छोटे डॉल वाले प्लांटर्स हैं बहुत ही क्यूट क्यूट सा लग रहा है, ये एरिया काफ़ी कलरफुल सा एंड क्यूट सा। उसके ऊपर मैंने एक शेल्फ लगाई हुई है, वॉल शेल्फ, और इसके ऊपर सारे मैंने छोटे छोटे से क्यूट से प्लांटर्स यूज़ करे हैं एंड बड़े क्यूट लग रहे हैं, मतलब बहुत सुंदर लगता है ये देखने में। एंड इसके ऊपर मैंने एक बड़ा सा अपना DIY लगाया हुआ है, इसमें मैंने पानी भरा है एंड प्लांट्स लगाए हैं। देन ये जो प्लेट वाला मैंने DIY किया था उसमें मैंने नॉर्मली कलर्स यूज़ करे हैं, सो यू नो काफ़ी ब्यूटीफुल सा लगता है ऐसे कलरफुल सा। देन इस साइड में आप देखेंगे तो दो और शेल्स मैंने लगाई हैं एंड यहाँ पर छोटे छोटे से मनी प्लांट्स लगा के रखे हैं एंड वो जो छोटे छोटे प्लांटर्स थे मैंने वो लगा करके रखे हुए हैं। सो येस, ये है इस साइड का एरिया एंड बड़ा ही कलरफुल है, काफ़ी सारा सिंक में है। नाउ यू कैन सी ये बाहर से कैसा दिखता है, सामने वाली जो रेलिंग है वो कितनी क्लीन एंड क्लटर फ्री लग रही है, सो दैट वहाँ पर खड़े होना हो तो आप खड़े हो सकते हो आराम से, यहाँ पे बैठ सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, चाय पी सकते हो। एंड यू नो एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो नीचे का रग बिछा हुआ है जो रनर है मैं डेली बेसिस पे नहीं बिछाती हूँ, इट्स जस्ट दैट आज वीडियो बनाना था तो मैंने बिछाया हुआ है बिकॉज प्रैक्टिकली इट मेक्स नो सेंस बिकॉज सब डेली डेली पानी डलता है तो यू नो वो पूरा गंदा हो जाएगा मिट्टी में एंड ऑल। तो मैंने यहाँ पर जूट स्टूल्स यूज़ करे हैं, ये काफ़ी छोटे से होते हैं, कॉम्पैक्ट से होते हैं, काफ़ी सही लगते हैं, एस्थेटिक लगते हैं इस जगह पे, तो हम समटाइम्स अंदर भी लगा के बैठ जाते हैं। नाउ कमिंग टू दिस वॉल, ये मेरी फेवरेट वॉल है कि कितनी सही लग रही है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन देखने में, ग्रीनरी लग रही है बहुत सुंदर सी, कलर्स यूज़ करे हैं काफ़ी सारे और काफ़ी सारे हमने फ्लावरिंग प्लांट्स इस बार यूज़ करे हुए हैं, जो हमने हर्ब्स हम लगाते हैं, हमने हर्ब्स भी काफ़ी सारे लगाए हैं बट वो दूसरी बैल्कनी में लगाए, उसका कभी आगे मैं टूर दूंगी। अभी यहाँ पर हमने काफ़ी सारे शो प्लांट्स एंड जो फ्लावर्स वाले प्लांट्स होते हैं वो हमने यहाँ पर ज़्यादा यूज़ करे हैं। तो मैंने यहाँ पर जो पीछे की नेट यूज़ करी है वो इसलिए करी है कि मैं यहाँ पर लाइट्स लगा सकूँ, तो सो दैट अगर मैं हमको पानी वगैरह भी डालना हो तो उस लाइट पे पानी ना जाए और वो इतना ज़्यादा रिस्की ना रहे। तो मैं यहाँ पर नाइट का लुक डाल दूंगी, बड़ा ही सुंदर लगता है ये रात में। एंड या दैट्स इट फॉर माई वीडियो, आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा और कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।